और बड़ी खबर, अतीक अहमद पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अतीक की अवैध संपत्ति की जांच होगी। दिल्ली और नोएडा में जो प्रॉपर्टी है अतीक अहमद की, उसकी जांच होगी। अवैध संपत्तियां इन माफियाओं की, जो कि नेस्तनाबूद कर रही है सरकार, तमाम जो अवैध संपत्तियां हैं अतीक अहमद की, उसकी जाँच होगी। वो संपत्ति जो दिल्ली और नोएडा में है, उसकी प्रॉपर्टी, बेनामी संपत्ति, उसकी जाँच करेगी ईडी। अतीक अहमद, जो कि उमेश पाल अपहरण कांड में आजीवन कैद की सजा काट रहा है साबरमती जेल में, ईडी का शिकंजा, उसकी अवैध संपत्तियों की जांच होगी। नोएडा और दिल्ली में जो उसकी बेनामी संपत्ति है, उसकी जांच करेगी ईडी। अतीक अहमद पर प्रवर्तन निदेशालय की भी नजर रडार पर। खबर, माफिया अतीक के खिलाफ वारंट जारी हुआ है प्रयागराज से उमेश पाल मर्डर केस में। गुजरात से प्रयागराज फिर लाया जाएगा अतीक अहमद को। साबरमती जेल पहुंच चुकी है यूपी पुलिस की टीम। पुलिस टीम में प्रभारी, निरीक्षक, 30 कांस्टेबल्स मौजूद हैं, एक जीप और 2 बंदी रक्षक वाहन भी शामिल हैं। वारंट भी लेकर पहुंची है साबरमती जेल यूपी पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया है यूपी पुलिस ने अतीक अहमद को, और उसे दोबारा प्रयागराज लाया जाएगा। स्पेशल कोर्ट में उसकी पेशी होगी और पुलिस रिमांड मांगेगी अतीक अहमद। उमेश पाल मर्डर केस में वारंट जारी हुआ है, जिसे लेकर पहुंची है यूपी पुलिस साबरमती जेल। अतीक अहमद को लाने दोबारा लाया जाएगा प्रयागराज। अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक हैं, 30 कांस्टेबल्स मौजूद हैं, एक जीप है, 2 बंदी रक्षक वाहन भी शामिल हैं। इसी काफिले के साथ अतीक अहमद को दोबारा प्रयागराज लेकर पहुंचेगी, जहां पर एमपीएमएलए कोर्ट में उसकी पेशी होगी, स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी अतीक अहमद की, और पुलिस रिमांड मांगेगी उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर। राघवेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं प्रयागराज से। राघवेंद्र, एक बार फिर से सिलसिला यात्रा का, साबरमती टू प्रयागराज टू, यूपी पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, क्या अपडेट आपके पास? क्योंकि वारंट भी लेकर वहां पर पहुंची है, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया है अतीक अहमद को, क्या कुछ जानकारी आपके पास? कब तक प्रयागराज लेकर पहुंचेगी अतीक अहमद को? जी बिल्कुल, पूर्व जिस प्रकार के अठाईस मार्च को कामत हुई थी उमेश पाल अपहरण केस के मामले में, किंतु जो है इस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले जो है उसके बेटे जो उसके भाई जो अशरफ को जो पेशी होनी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, किंतु जो है कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि उसको कोर्ट में लाया जाए। वहां भी बरेली जेल में भी पुलिस गई थी और अतीक अहमद को लाने जो है साबरमती जेल भी गई थी, एक हफ्ते पहले भी पुलिस गई थी जिससे उसको लाया जा सके। कोर्ट ने सीधे तौर पर भी वारंट जारी किया था, क्योंकि जो भी साक्ष्य है उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए विभिन्न तथ्य है, उसको ना तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है कोर्ट में रखा जा सकता है और ना ही किसी अन्य माध्यम से। तो कोर्ट ने भी वारंट जारी किया है प्रयागराज पुलिस को, उसको साबरमती जेल जाकर अतीक अहमद को पुनः जो है यहाँ पर पेशी की जाए, जिससे जो है कोर्ट के समक्ष उसमें सवाल जवाब किया जा सके। ये मामला उमेश पाल हत्याकांड का तो है ही, इसके साथ ही साथ जो रंगदारी का मामला है, 5 करोड़ का रंगदारी का मामला है, जिसका बेटा अली जो अभी लैंडिंग सेंट्रल जेल में है, उसके लिए भी वारंट जो है जारी किया जाए, जिसको कल पुलिस प्रयागराज की पुलिस सभी साबरमती जेल में पहुंच चुकी थी और भी वारंट का ताबला भी जेल अधीक्षक को करा दी है। किंतु वहां पर जेल अधीक्षक कोर्ट का मानना है कि जैसे इसकी पुष्टि हो जाएगी, जो वारंट जारी हुआ है इसकी जो है जाँच होगी, पुष्टि होने के पश्चात ही वहां का प्रशासन, वहां का जेल प्रशासन सीधे तौर पर प्रयागराज पुलिस को अतीक को सौंप देगी। और माना यह भी जा रहा है कि वहां पर जो भी टीमें पहुंची है प्रयागराज पुलिस की, सारी कार्रवाइयां पूरी हो गई है, उसको हवाले से खबर आ रही है। अभी कुछ घंटे पश्चात ही वहां से जो है साबरमती जेल से साबरमती को प्रयागराज, साबरमती जेल से अतीक को लेकर प्रयागराज पुलिस कर देगी और देर शाम तक यहां पर पहुंचने का समय, क्योंकि 1 से 22 घंटे लगता है, अगर 1 घंटे 2 घंटे बाद वहां चलती है तो 21-22 घंटे में पुलिस प्रयागराज की उसको सीधे काफिले के साथ प्रयागराज लाएगी। और ये भी जो है संभावना जताई जा रही है कि कल ही एमपीएमएलए कोर्ट में अतीक की पेशी होगी। ये तो बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अभी वहां से अतीक वहां पर से नहीं चला है, क्योंकि इसके सारे परिवार पर, इसकी पत्नी, इसके बेटे, इसके जो है बहन और इसके बहन के दो बेटियां और इसके जीजा पर लगातार कब्जा करता जा रहा है। तो पूरा सुनवा अतीक अहमद का पूरा सुनवाई पूरे हत्याकांड
साजिश में शामिल था, जिस पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया है और जो है आयशा नूरी से लेकर इसकी बहन जो आयशा नूरी है, इससे दूसरा जो इतलाफ है, जहां मेरठ में आता और गुस्से मुस्लिम को काट दिए थे, इनको भी आरोपी बनाया गया है। उन पर भी जो इनको भी पार्टी बनाया गया है और जब भी पुलिस इन पर जो है इनाम भी घोषित करेगी। लेकिन जो बड़ा प्रश्न रहा है कि कामत को प्रयागराज लाने के लिए, क्योंकि एक बार प्रयागराज को लाया जा चुका है अपहरण केस में, जिसको हो चुकी है पूरा जो है हत्याकांड को लेकर भी कारण ठीक, थोड़ा सा कनेक्शन लॉस है राघवेंद्र, दोबारा आपसे कनेक्ट करते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि साबरमती जेल पहुंच चुकी है यूपी पुलिस, अतीक अहमद को दोबारा प्रयागराज लाया जाएगा। उमेश पर हत्याकांड में उसे आरोपी बनाया है पुलिस ने, पुलिस रिमांड मांगेगी स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद। वारंट बी निकला है अतीक अहमद के खिलाफ, जिसे लेकर पहुंची है यूपी पुलिस साबरमती, और उम्मीद यही है कि आज देर शाम तक अतीक को लेकर वापस प्रयागराज पहुंच जाएगी यूपी पुलिस। राघवेंद्र, इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि ईडी की रडार पर भी अतीक अहमद। तो एक और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यूपी पुलिस की टीम साबरमती जेल पहुंची अतीक अहमद को लाने, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया है पुलिस ने अतीक अहमद को, और उसी की रिमांड मांगने के लिए वारंट बी के साथ यूपी पुलिस वहां पर पहुंची है। माना जा रहा है कि कल पेशी होगी प्रयागराज स्पेशल कोर्ट में अतीक अहमद की, और रिमांड पर लेगी पुलिस अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर पूछताछ करने के लिए। इससे पहले बड़ी खबर यह भी है कि अतीक अहमद की जो अवैध संपत्तियां हैं ईडी की रडार पर हैं, दिल्ली और नोएडा में जो उसकी अवैध संपत्ति है उसकी जांच होगी। राघवेंद्र, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बड़ी खबर यह भी कि हलचल ईडी की भी शुरू हो चुकी है, जो अवैध संपत्तियां अतीक अहमद की है नोएडा और दिल्ली में, उन पर भी गाज गिरनी तय है। बिल्कुल, जो है ईडी प्रवर्तन निदेशालय जो है लगातार जांच पड़ताल कर रहा है अतीक अहमद की संपत्तियों को, लखनऊ से लेकर नोएडा और दिल्ली तक की संपत्तियों की जांच कर रहा है। लखनऊ में भी इसकी कुछ जो है संपत्तियां हैं, नोएडा में भी है, दिल्ली में है, क्योंकि इसका आतंक इतना ज्यादा था, इससे गुर्गे जो है इसमें सक्रिय थे कि हर शहरों में हर राज्यों में जो है अपनी अवैध संपत्ति अपनी अकूत संपत्ति को साम्राज्य जो है बना लिया था, लोगों से जमीन हड़पना, लोगों को डरा धमका कर हत्या का प्रयास करना, उनको जान से मारने की धमकी देने के प्रयास में नोएडा और दिल्ली में भी इसकी अकूत संपत्तियां हैं, अवैध संपत्तियां हैं, उस पर भी ईडी की नजर है, प्रवर्तन निदेशालय की नजर है, और जल्द ही सूची जो है ईडी जो है जारी करेगी और उसको भी ध्वस्त करने का प्रयास करेगी। इस पर भी ईडी से लेकर जो है और भी जो जांच एजेंसियां हैं पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अतीक अहमद एक जो है बड़ा माफिया है जिसके तहत जो है ठीक राघवेंद्र, अपडेट इस खबर पर आगे आपसे लगातार लेते रहेंगे। अतीक अहमद को लेकर हर अपडेट सबसे पहले नेटवर्क 10 के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे।